नए साल के आगमन पर पहली बार गौचर में बुजुर्गों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। नगर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बुलाकर युवाओं द्वारा बुजुर्गों को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि गौचर के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान जयकृत बिष्ट द्वारा किया गया, जिसके सर से माँ बाप का साया बचपन से ही उठ गया था। फिर भी उन्होंने एक मिसाल कायम की जो नई युवा पीढ़ी को एक सीख देती है कि माता पिता व बुजुर्गों का सम्मान किस तरह किया जाता है। इस समारोह में भाजपा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन व विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। उद्देश्य की जहाँ तक बात रही कि हमारे समाज में तरह तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, आयोजन होते रहते हैं, मेरी अपनी एक सोच रही कि हमारे शहर में जो आज से 30 साल पहले बहुत छोटा सा कस्बा था, आज बहुत बृहद शहर बन गया है और हमारे तमाम बुजुर्ग हमारे बुजुर्गण अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चे अपने समाज अपना गांव तो देखते ही हैं, लेकिन पूरा समाज उनसे इंट्रोड्यूस हो, उनकी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है पूरी जीवन का, उनका आशीर्वाद जो हम पे तमाम इस शहर के युवाओं पे बना रहे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे गौचर में पहली बार जो है इस प्रकार से जो आयोजन हुआ है कि बुजुर्गों का यहाँ पे जो सम्मान हुआ और उनके सम्मान में जो आयोजन हुआ, इसमें कोई राजनीति नहीं है और शुद्ध मतलब जो है बुजुर्गों के सम्मान में जो आयोजन हुआ। और मैं जिसने ये आयोजन किया, मैंने सुना कि जयकृत बिष्ट के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया, तो मैं बहुत बहुत उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि पहली बार किसी ने गौचर में जो हमारे बुजुर्गों को जो है लोग जो है सम्मान की दृष्टि नहीं देखते हैं, इवन परिवार में भी उनको मतलब जो थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन एक ऐसे बच्चे ने जिसका कि माँ बाप का भी साया नहीं था और बचपन से ही माँ बाप मर गए थे और माँ बाप की तस्वीर भी नहीं देखी न याद है, और उसने ये आयोजन किया, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा आयोजन जो है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना, मैं उनको नमन करता हूँ। चमोली से अनिल राणा की रिपोर्ट।